अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मौसम तो आज बहुत ज़्यादा फोगी हुआ हुआ है, पिछले एक हफ्ते से फोग है और धूप का कोई नामो निशान नहीं है। सर्दियों में वैसे ही सुबह उठते हुए इतनी सुस्ती हो रही होती है और दिल ही नहीं चाहता ब्लैंकेट से बाहर निकलने का। खैर, मैं किचन में आ गई थी और मैंने कावा बनाया। सबसे पहले ये कावा बहुत अच्छा है फॉर वेट लूज़, और ये ना नज़ले ज़ुकाम और गला ख़राब के लिए भी दी बेस्ट है। तो मैं ख़ुद भी पीती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी एक एक स्पून दे दूँ। ठीक है, इसमें चीनी डाल के भी आप ले सकते हैं बच्चों के लिए। खैर, इसमें मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने सौंफ, दालचीनी और छोटी इलायची, अदरक और हाँ और हनी डालती हूँ और पीती हूँ। अच्छा, खैर यहाँ पे बन रहे थे पराठे। पराठे सर्दियों में तो जो फेवरेट नाश्ता हो जाता है वो यही होता है, पराठों का, कि सालन के साथ ले लें या फिर अंडों के साथ ले लें। खैर, मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी लाइट ले लेती हूँ, कभी हैवी ले लेती हूँ। गर्मियों में तो वैसे पराठे बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, तो और खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सर्दियों में ही मैं मोस्टली थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लेती हूँ। खैर, यहाँ पे अंडे फ्राई हो रहे थे नीचे से क्रिस्पी। खैर, मैंने साथ ही चाय रख ली थी और चाय यहाँ पे हमारी बन गई है। तक चाय ना पियो तो दिन शुरू ही नहीं होता, सुस्ती उतरती नहीं है, तो चाय तो मस्ट है ना सुबह सुबह पीना। यहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता, साथ साथ खुद भी खा रही थी और बच्चों को भी खिला रही थी। मेरे बच्चे जो हैं बहुत टाइम लेते हैं खाना खाने में, और कोई आधा घंटा तो बच्चों को बस खाने खिलाने में लग जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग फ़िश का सालन बनाएंगे। फ़िश का सालन इसलिए डिसाइड किया क्योंकि सबके बच्चों को भी और बड़ों को भी सबका गला ख़राब था, नज़ला ज़ुकाम था, तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये डिश आज बना लेते हैं, ये बेस्ट है, इसका शोरबा सब पियेंगे तो सबका गला भी साफ़ होगा और नज़ला भी ठीक होगा। तो खैर, यहाँ पे मैंने प्याज लिए और प्याज को मैं अच्छे तरीके से भुना है, उसके अंदर मैंने ज़ीरा और टमाटर डाल लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको अच्छे तरीके से हम भुनेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो मसाले इसमें ऐड होंगे उसमें है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, और ये है फिश मसाला। फिश मसाले में है मेथी दाना, कलौंजी, राई, सूखा धनिया, ये ग्राइंड हुआ हुआ है। अब इन सारे मसालों को हम आपस में ग्राइंड कर देंगे, ग्राइंड करके हम लोगों ने अपना जो मसाला मैं भून रही हूँ उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सारे के सारे मसालों को, और वो जो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट जो मैंने भुना था उसको भी सबको मैंने ग्राइंडर में ब्लेंड कर दिया। दो हरी मिर्चें ऐड की हैं और अब हम इन सब चीज़ों को दोबारा अगेन बनाएंगे। मैं हमेशा शोरबे वाला जो सालन है, चाहे वो कोई भी हो, चने हो या चिकन का सालन हो या कुछ भी, अगर कोई भी शोरबे वाला सालन बनानी है तो उसमें पहले मैं प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर को भूनती हूँ, उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करती हूँ। मैं कभी भी कच्चा ब्लेंड करके नहीं डालती, उससे हंडिया का सालन का वो फ्लेवर नहीं आता, शोरबे का वो अर्क नहीं निकलता। तो मेक श्योर आप लोग भी अगर बनाएं तो सबसे पहले ग्राइंड करें, भुनें और ब्लेंड करें, कभी भी कच्चा ब्लेंड करके ना डालें। खैर, यहाँ पे फिश थी, फिश को ऑलरेडी मसाला लगाया हुआ था, इसको फ्रीज किया हुआ था, और ये अब हम ऐड करेंगे मसाले में और इसको भुनेंगे, इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, कोई 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, और उसके बाद इसमें हमने गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो, और वो खाना जिसमें पानी ऐड होना होता है, तो मैं कभी ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर वाला पानी ऐड नहीं करती। मैं पानी को पहले गर्म करती हूँ और फिर उसके अंदर जो है डालती हूँ, इससे भी जो हंडिया का फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है और इन्हेंस करता है गर्म पानी भी, ठंडे पानी से वो टेस्ट और वो फ्लेवर नहीं निकलता। इट्स वेरी वेरी गुड एंड हेल्दी फॉर विंटर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड दिस व्लॉग। यहीं पे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और डू अप्रिशिएट मी ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेके आ सकूँ। अल्लाह हाफिज़।